डॉक्टर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। इंस्पेक्टर, शुक्रिया की हकदार गोमती है जो मुझे सही वक्त पर यहाँ ले आई। डॉक्टर, गोमती के खानदान का और हमारे खानदान का बहुत पुराना रिश्ता है। इसके दादा दादी को हमारे दादाजी यहाँ ले आए थे। हमारी बहुत बड़ी जागीर थी उन दिनों। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। थैंक्स अगेन डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। गोमती, मैं जिंदगी में कुछ भी भूल सकता हूँ लेकिन तेरा एहसान कभी नहीं भुला सकता। जल्दी जल्दी खा ले बेटे, पापा को ड्यूटी पर जाना है। कहाँ जाना है पापा को? ड्यूटी। ड्यूटी। तू आगे घूमती घूमती तेरे इस बच्चे को देखने की कितनी आस थी बिमला की, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। बिमला बहुत चाहती थी कि तू अपने राम के लिए एक लक्ष्मण लेकर आए, और गोमती तूने आज उसकी इच्छा पूरी कर दी। गोमती, आज से तेरे इस बच्चे का नाम होगा लक्ष्मण। ये राम और ये लक्ष्मण, इन दोनों की खुशी हमारी खुशी होगी। गोमती चला। गोमती, रेडी? रेडी। मैं भी तैयार हूं बेटे। डैडी, आज मैं आपको नॉकआउट करूंगा। ये बात है, देखते हैं कौन किसको नॉकआउट करता है। अच्छा, तो बताओ रेफरी कौन होगा? लक्ष्मण। लक्ष्मण, ठीक है, कम ऑन। अरे छोड़ मेरा हाथ, तू रेफरी है, इसमें भाईचारा नहीं चलता। हाँ देख, छोड़ 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 छोड़, कम ऑन। क्यों छोड़ दें? बच्चा है, नाजुक है। नाजुक? कौन नाजुक? क्या करता है मैं? वो कैसे मारता है? वो तू भी पापा के साथ मिला हुआ है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों?
वहाँ क्या तमाशा हो रहा है? चलो अपनी अपनी सीट पे बैठो। चलो क्विक क्विक क्विक। तू यहाँ? दिस इज टू मच। कल तक बाहर रहकर परेशान करता था और आज क्लास के अंदर पहुंच गया। राम, निकालो इसे बाहर। टेक हिम आउट इमीडिएटली। यस सर। लक्ष्मण तू बाहर चले जा। संभाल के। गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकाल अपनी कॉपी। सर मैंने होमवर्क नहीं किया। नहीं किया? क्यों क्यों? सर कल मैं लक्ष्मण के साथ स्विमिंग करने चले गया था। स्विमिंग करने चला गया था? लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अपने हाथ फैलाओ, फैलाओ हाथ। अरे कौन मेरा हाथ पकड़ रहा है? छोड़ मेरा हाथ, छोड़, छोड़। मर गया बेटे राम। अपने लक्ष्मण को कंपाउंड से बाहर निकालो, जल्दी करो। प्लीज प्लीज। लक्ष्मण तू जा, बैल बजते ही मैं तेरे पास आ जाऊंगा। बाप रे बाप, ये लक्ष्मण नहीं रावण है। अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें इंग्लिश पोएट्री पढ़ाएंगे। टेक योर इंग्लिश बुक्स। डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल। डिंग डोंग बेल। रुको रुको। अरे अरे बच्चों कहाँ कहाँ भाग रहे हो? अरे चार घंटों बाद किया है, अभी तो भाग रहे हो? अरे रुको, अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे रुक जाओ पापा, अरे बाहो, अरे पापा मैं कहता हूँ रुक जाओ, अरे रुक जाओ। ये सब राम की शरारत है, मैं जानता हूँ। अरे पापा तू मर गया। अरे अरे पापा पापा बचाओ, इसकी रोज रोज की शरारतों से मैं तंग आ गया हूँ। अरे तेरी शिकायत करूंगा। अगर तुम इसी तरह शरारतें करते रहे तो किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, समझे? कुमार आओ आओ, प्रोफेसर आओ। क्या बात है यार, बच्चों क्यों डांट रहे हो भाई? अरे यार राम और लक्ष्मण इन दोनों ने मिलकर सारे स्कूल को सर पे उठा रखा है। वेरी गुड। इस नालायक को स्कूल से निकाल दिया गया है। वेरी गुड। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं उलझन में पड़ा हुआ और तुमको वेरी गुड सूझ रहा है। अरे मेरा कहने का मतलब यह है यार कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं शहर जा रहा हूँ। मेरी मानो तो राम को मेरे साथ भेज दो, लक्ष्मण से अलग होगा तो अपने आप पढ़ाई में ध्यान लगाएगा। नहीं डैडी, मैं लक्ष्मण को छोड़ के नहीं जाऊंगा। शट अप बदतमीज। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इसकी भलाई के लिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। देखो बेटे, दिल लगा के पढ़ना, प्रोफेसर अंकल को तंग नहीं करना। अच्छा डैडी, लेकिन लक्ष्मण। तू फिकर क्यों करता है? मैं जो हूँ
ओके प्रोफेसर। ओके। अच्छा बेटे। बाय डैडी। बाय। सी यू। सी यू। ऑल द बेस्ट। मार, बेटे की फिक्र मत करना, अपना ख्याल रखना। अच्छा? क्या हुआ भाई? गाड़ी क्यों रुके? इंजन के पास कुछ भीड़ दिखाई दे रही है। मैं देखता हूँ क्या बात है। लक्ष्मण, ये क्या बदतमीजी है? लक्ष्मण, तुम चाहते हो राम शहर नहीं जाए? जरा सोचो लक्ष्मण, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो जाहिल बनेगा, लोग उससे नफरत करने लगेंगे। क्या तुम यही चाहते हो? बताओ लक्ष्मण। गुड बॉय, चलो मेरे साथ और राम को विदा करो। चलो लक्ष्मण, चलो आओ मिलो राम से। अरे वाह लक्ष्मण, चलो नमस्ते भाई। बाय डैडी। बाय बाय कुमार। बाय लक्ष्मण। बाय बाय कुमार, मेरी फिक्र मत करना। बाय डैडी। राम मेरे साथ है। बाय बाय। बाय बाय लक्ष्मण का ध्यान रखना।
बच्चे की कह दू कोई माने या न माने। एक बात पते की कह दू कोई माने या न माने। मेरे दिल में क्या है मैं जानू या तू जाने। अरे देखो अरे देखो ये नजारा, देखो देखो कितना है प्यारा नजारा। कर ले शरारत थोड़ी। के साथी मैं और मेरा हाथी। तेरी वफा का सबसे प्यारा। तेरी मेरी ऐसी जोड़ी, तेरी मेरी ऐसी जोड़ी बनी रहे जैसे राम और लक्ष्मण भाई। मैं और मेरा हाथी हम जन्म जन्म के साथी। जोड़ी हमारी हंसती गाती निकली है धूम मचाती। मैं और मेरा हाथी। क्या डरी? Come on, बांधो इसे। कोई बात नहीं, आज मेरे गुस्से के शिकार तुम हो। Come on। वो गधा रेफरी कहाँ है? लक्ष्मण कमान। जवानी आ गई लेकिन बेटे अकल नहीं आई। इतना भी नहीं सोचा कि मेरा बाप स्टेशन पर आके बिछाए खड़ा होगा। लेकिन मैं क्या करता, लक्ष्मण ने बीच रास्ते में ट्रेन रोककर मुझे उतार लिया। ट्रेन रोककर उतार लिया? ये उल्लू का पट्टा तो है ही एकदम आवारा। डैडी खबरदार, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए लेकिन लक्ष्मण को कुछ मत कहिए। क्यों नहीं कहूंगा, ये क्या मेरा बाप लगता है? अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? फाउल किसने किया है? इन्होंने फाउल किया है। रेफरी को मारता है। आपको मैं नॉकआउट पंच मारूंगा, नॉकआउट। आप देख रहे हैं? अबे 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 छोड़। क्या है डैडी, बुढ़े हो गए हैं? छोड़ दें तो छोड़ देते हैं। क्या कहा, बुढ़ा बुढ़ा होगा तेरा बाप? वो तो देख रहे हैं। मेरे अंदर अभी भी वो ही दमखम है, समझे? देखा कौन जीता? सक्सेस। अब बोल कौन बुढ़ा? आप। बोल। नहीं नहीं मैं हूँ, मैं। डैडी हम दोनों हार गए, आप जीत गए। यू चीट? अब भी तुम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को आंख मारी और कहता हम हार गए? पर खुर्दार मुझे तुझ पे नाज है,
तो आज तक जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब होता आया है, लेकिन बेटे एक इम्तिहान और देना है। क्या? तेरी शादी। अरे शादी? लेकिन डैडी शादी कितनी जल्दी क्या है? जल्दी है माय सन, ये देखना घर कितना वीरान सा लगता है। तेरी बहू आएगी, घर में लक्ष्मी आएगी, कितनी चहल पहल हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ बेटे फटाफट शादी कर लो। फटाफट शादी कर डालो। शादी कैसे थोड़ी होती है, उसके लिए लड़की भी तो चाहिए। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तेरे प्रोफेसर अंकल आ रहे हैं एक से एक खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लेकर। क्यों क्यों भाई? ठीक है कुमार, जिस तरह पुराने जमाने में किसी लड़की के स्वयंवर में बहुत सारे लड़के आते थे ना, उसी तरह आजकल के जमाने में तुम्हारे लड़के के स्वयंवर के लिए कितनी सारी लड़कियों की तस्वीरें लेकर आया हूँ। वेरी गुड, एक से एक सुंदर और सब कुंवारियां। बेटे इनमें से अपनी पसंद की कोई भी एक लड़की चुन लो और फौरन शादी। लक्ष्मण देख ले भाई। चले अरे देखने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी पसंद का कचरा कर दिया और फिर उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया। राम, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है डैडी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं पैंट के लिए कपड़ा नहीं, शादी के लिए लड़के ढूंढ रहा हूँ। वेरी गुड। अबे क्या खाक, वेरी गुड। मेरा मतलब इसके पसंद की लड़की के आसमान से टपकेगी? वो तो कब की टपक चुकी है। क्या मतलब? मतलब सवाल है तलाश का। देखो बरखुरदार, अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने अपनी पसंद की लड़की नहीं तलाश की तो इनमें से कोई एक लड़की चुन के मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। इनमें से? ये मेरा ऑर्डर है। देखो बरखुरदार, मैं तो बिना शादी किए कमा रहा हूँ, तुम शादी करवा के भी कुमारे के कुमारे रहोगे। जल्दी से कोई लड़की ढूंढ लो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई बहुत हो गई तलाश, हम तो थक गए। लगता है दुनिया में सुंदर लड़कियों का काल पड़ गया। पता नहीं लोगों की नजरें चार कैसे हो जाती हैं। अरे साला यहाँ तो 3:30 भी नहीं हो पा रही है। सोचता हूँ इस नजारे को आखिरी बार देख लूं और उसके बाद संन्यास ले लूं। ओए रुक जा लक्ष्मण, बैठ बैठ लक्ष्मण, बैठ बैठ जा, जल्दी कर। लक्ष्मण लक्ष्मण, मिल गई, जिस लड़की की तलाश थी वो मिल गई। देख देख तू भी देख। अरे क्या बात है लड़की में, गुले गुलजार है, बागो बाहर है। जल्दी से बता मेरी पसंद कैसी है। What a beautiful place this is. हमें तो सचमुच प्रोफेसर रामाराव का शुक्रगुजार होना चाहिए जो उन्होंने बोटेनिकल रिसर्च के लिए हमें यहाँ बुलाया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, राव सर यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा? अबे ओ, इतनी देर तक लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। लक्ष्मण ये बता, है ना तेरी भाभी बनने लायक? क्या बात है लक्ष्मण, फिर एक काम करते हैं, सुन। ओके चल फिर। ये पेड़, ये हरियाली, ये खामोश वादियाँ, दिल करता है यहीं रह जाऊं। कहाँ, इस जंगल में? अभी तक तो सिर्फ तुमने नजारे देखे हैं, अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ देखोगी तो होश उड़ जाएंगे। अरे जाने दो। क्या जाने दो, फर्ज करो यहाँ कोई शेर आ गया तो तुम क्या करोगी? ये क्या करेगी, जो कुछ करना होगा शेर ही कर लेगा। तुम लड़कियाँ भी एकदम बुजदिल हो, हम लड़कियों में तो क्या हुआ, हमें भी अपनी हिफाजत करने के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। सेल्फ डिफेंस हम लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुम लोग को सिखाती हूँ कि अपनी हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। Watch out, Jeff.
अरे मार डालूंगा आज, आज मैं तुझे मार डालूंगा। अरे मुझे जाना क्या है? अरे अरे बैठ बैठ बैठ, भाग जा, मैं कह रहा हूँ भाग जा। फिर कभी वापस आए ना, जान से मार डालूंगा। साला भाग गया तुम दबाकर। थैंक यू वेरी मच। अभी तक तो हमने टार्जन के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज टार्जन को अपनी आंखों से देख लिया। अभी तक यकीन नहीं आता कि एक आदमी हाथी से लड़ सकता है। क्यों, आपने महाभारत नहीं पढ़ी है? उसमें एक भीम हुआ करता था। अरे उसने तो ऐसे कितने हाथियों की ऐसी तैसी कर दी। अरे ये तो मेरा क्या मेरा मतलब है, दसवां मौका है। मेरा जन्म तो इस धरती पर आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की हिफाजत के लिए हुआ है। कल की बात है, कल की बात है, मैंने 20 लड़कियों की जान बचाई हाथी से। अरे ये हाथी तो उसके सामने बच्चा है, वो कोई और जानवर था। क्या जानवर था वो? जान अब मैं क्या बताऊं, अंधेरा था, ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन लड़कियों ने मेरी बहादुरी देखकर कह दिया हटारी। अच्छा तो मिस्टर हटारी, देखिए आप गलत कह रही है, मेरा टाइटल हटारी है, मेरा नाम राम है। मिस्टर राम हटारी, मेरी समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। देखिए मीना, ऐसे शानदार हीरो को एक शानदार पार्टी देनी चाहिए। सिर के बल चल के आऊंगा, लेकिन कहाँ? हम लोग गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, आप कल शाम को जरूर आइएगा। जरूर आऊंगा। बाय 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 बाय। या लक्ष्मण, अरे तूने तो कमाल की एक्टिंग की है। मामला जम गया, मामला जम गया, लड़की फंस गई, मामला जम गया, लड़की फंस गई। चल लक्ष्मण चल, घर चलते हैं। क्या आदमी था जालिम ने, तो हाथी की हड्डी पसली बराबर कर दी। क्या बिजली की तरह वार कर रहा था ना, वो देखो राम हटारी। अच्छा तो ये इसका ट्रेन हाथी है। तभी तो मैं सोच रही थी मीना, ये ड्रामा उसने जानबूझकर किसी मतलब से किया है। पार्टी कैंसिल। नहीं शोभा, पार्टी होगी, पर ये पार्टी वो जिंदगी भर याद रखेगा। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए, हाथियों के शिकारी, महाभारत के भीम, मिस्टर राम हटारी। मिस बिना, इतने शानदार ढंग से मेरा स्वागत आज तक कहीं नहीं हुआ। इसके बाद होगा भी नहीं जी? इस धरती पर मेरा जन्म आप जैसे महापुरुषों के स्वागत के लिए हुआ है। वेरी नाइस। आइए बैठे। थैंक यू। ये सब आपकी फैमिली में है? आई मीन वेरी हेल्दी फैमिली। जी हाँ, जहाँ आप जैसे बहादुर खाने वाले हों, वहाँ खिलाने वाले भी हेल्दी होने चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। इनसे मिलिए, ये हैं बांके बिहारी और बाराबंकी, बॉक्सर हैं। बॉक्सर? ओह यस। हेलो मिस्टर बांके बिहारी और बाराबंकी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे बाबे, अरे ठीक है, सब ठीक है। दावत की शुरुआत बहुत अच्छी रही। इतना ही नहीं, इनसे मिलिए, ये है कलकत्ता के ऊंची मूंची कराटे चैंपियन है। नमस्ते। अरे आप तो बहादुर हैं, आगे बढ़िए, हाथ मिलाइए। नहीं क्या है देखिए। अरे भैया, अरे अरे भाई, अरे धीरे घुमा रे भैया। ये पहलवान कहाँ से आ गया भैया? सलाम मेम साहब।
अरे प्यार का प्यार से मार का मार से अरे प्यार का प्यार से मार का मार से बातों का बातों से लातों का लातों से बातों का बातों से लातों का लातों से मुझको आता है देना जवाब यही सीखा है मैंने जना यही सीखा है मैंने जना क्या समझी मैं साहब बंदा मैं सीधा दादा कोई अकड़े जो ज्यादा तो हूँ दादाओं का दादा समझी मेरी राधा अरे ईंट का पत्थर से अरे पत्थर का थप्पड़ से अरे ईंट का पत्थर से पत्थर का थप्पड़ से रूबाब का रूबाब से आदाब का आदाब से आता है देना जवाब यही सीखा है जैसे दीपक और बाती आगे होंगे घोड़े हाथी पीछे होंगे ये बाराती तू है रानी मैं हूँ राजा तू है हीर मैं हूँ राजा मैं हूँ मजनू तू है लैला अपना प्यार है पहला पहला तू छबेली मैं हूँ जैला दोनों है नैले पे दैला हो जाएंगे पूरे जाएगी लाजवाब जोड़ी जम जाएगी लाजवाब प्यार का प्यार से पार का पार से बातों का बातों से लातों से बातों का बातों से लातों का लातों से मुझको आता है देना जवाब यही सीखा है मैंने जनाब यही सीखा है मैंने मेम साहब आपने खाना खाने के लिए मुझे बुलाया था और मैंने आपकी इस हेल्दी फैमिली को खाना खिला दिया अरे हाँ और अगर कभी किसी को इस तरह का खाना खिलाने की जरूरत महसूस हो तो इस बंदे को याद कीजिएगा बाय प्यार का प्यार से वार का वार से वाह वाह
क्या जवाब दिया है उसने? ये जवाब उसे महंगा पड़ेगा। हमने और कोई हरकत की तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, अगर मैंने अपनी नजरों के वार से उसे अपने कदमों पे नहीं झुका दिया तो मेरा नाम भी मीना नहीं। हराम गोर, मेरा ही खाता है, मेरा ही दारू पीता है और मुझे इलाज मरता है। मैं तो सुनाला दारू पीने के बाद जो भी शेर बन जाता है और तू घोड़े से गधा बन गया, घर में बताता हूँ। एक दूंगा। अरे इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हैं? अरे मेम साहब, आप इसे बेजुबान कहते हैं? ये बहुत हरामी है। आजकल का घोड़ा है ना, बेईमान में आदमी से चार कदम आगे भागता है। जब दारू पीने का टाइम आता है ना, कुत्ते की तरह दूम हिला रहा है और मैं जब इस पे किसी को बिठाता हूँ उसका हड्डी पसली एक कर देता है। ओह वेरी गुड, मुझे ऐसे ही घोड़े की तलाश थी। वेरी गुड, अस्पताल जाने का इरादा है क्या? मुझे नहीं, मैं एक बहुत बड़े गप्पी को सबक सिखाना चाहती हूँ। वो घमंडी कहता है कि वो किसी भी जंगली जानवर को सीधा कर सकता है। मैं उस जंगली को सीधा करके अपने चरणों पे गिराना चाहती हूँ। तो मेरा घोड़ा उसे ऐसा सीधा करेगा कि उस खानदान में कभी टेढ़ा पैदा ही नहीं होगा। लेकिन इस बेवड़े पे खर्च करना पड़ेगा। कितना? अभी बता रहा हूँ। अगर इस घोड़े पे से धक्का मार के उल्टा गिराना है तो एक दर्जन राम, और फुटबॉल की तरह हवा में उड़ाना है तो दो दर्जन राम। बोलिए कौन सा सबक सिखाना है? पूरा दो दर्जन वाला। लाइए माल, लाइए। ये लो, लेकिन ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओहो, अब फिर तो दो दर्जन राम और चाहिए ये जुबान बंद रखने के लिए। मुझे मंजूर है, ये लो। बहुत माल कमाया। आज शाम को दोनों घोड़े लेके झील के किनारे आ जाना। दो घोड़े? दो आदमी को अस्पताल भेजना चाहती हो क्या? नहीं, एक ही को। शराबी घोड़े पर वो हटारी बैठेगा और शरीफ घोड़े पर मैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, भूलना नहीं। नहीं, नहीं। भूलूंगा कैसे? क्यों बेटे, आज जितना गधापन दिखा सकते हो दिखा डालो। मिस्टर राम हटारी। अरे आप? इस वक्त मैं भगवान से जो कुछ भी मांगती मुझे मिल जाता। मैं समझा नहीं। मैं आपकी तलाश में निकली थी और आप मिल गए। सच मानिए, उस दिन की भूल से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देंगे मेरा खाना पीना भी हराम है। कह दीजिए ना मुझे माफ कर दिया। जितनी मीठी आप हैं उससे ज्यादा मीठी आपकी बातें। चलिए आपको माफ कर दिया। ओह थैंक यू। चलिए उस तरफ चलते हैं, वहाँ इत्मीनान से मीठी मीठी बातें करेंगे। यू मीन गेस्ट हाउस? नहीं, वहाँ जहाँ तन्हाई हो, आप हो और मैं। तो फिर जल्दी चलिए ना। ऐसे सुहाने मौसम में तो प्यार करने वाले क्या चाहेंगे? एक दूसरे को देखना, नजरों से बोलना और दिल से सुनना, बस। तो और क्या? घुड़सवारी। घुड़सवारी? हाँ, देखिए। ए भैया। ए कौन है? कितना पैसा? एक घोड़े के एक घंटे के लिए 20 रुपए और 5 घंटे का पैसा पहले ही लूंगा। ये बच्चू है, ये मुन्नी है। आपको बच्चू पसंद है या मुन्नी? मेम साहब के लिए मुन्नी ठीक रहेगी। आइए, कम ऑन, संभाल के, कम ऑन। साहब आप बहुत अच्छा चढ़ाना जानते हैं। सत्यानाश हो गया साहब। मेम साहब घोड़े को राम पिलाकर आपको गिराना चाहती थी। क्या बकते हो? गलती से खुद ही शराबी घोड़े पर बैठ के चली गई, जान खतरे में बचा लीजिए। अब मैं क्या करूं? We'll be right back.
गया। अच्छा ही हुआ आपने बचा लिया ना, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का। अरे आप तो असली हटारी निकले, मैम सब शिकार खेलने निकली थी, खुद ही शिकार हो गई। अच्छा ही हुआ। ये घोड़ा घोड़ा। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम सॉरी मैं जरा लेट हो गया। सर आप अभी अभी खजरत आए थे आपकी बीमारी की खबर लेकर और कहने लगे मुझे राव सर ने भेजा है। क्या? अरे हाँ, और पढ़ाई के बहाने मीना को भी अपने साथ ले गया। वेरी गुड। वो रहा। Who is this? Hey, you, come here, fraud, इधर आओ। मैं अभी से सीधा करके रख दूंगा। मतलब क्या है? जवान लड़कियों को इस तरह से पहलाना फुसलाना, मैं से सीधा करके रख दूंगा। सर, ना कहीं का। कौन है बे? सर आपने कहा था ना कि आपके पेट में थोड़ी सी तकलीफ है, समझ जाइए ना। यस, अब ज़रा बेटर है। गर्ल्स, ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, राम, MSc, बॉटनी, गोल्ड मेडलिस्ट। इज इट? यस, वेरी ब्रिलियंट बॉय। राम, तुम अपनी क्लास उधर जारी रखो, मैं इन लड़कियों का आज का लेसन इधर पढ़ाता हूँ। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो गर्ल्स, आज का टॉपिक है रोज, इंग्लिश का मतलब रोज मैरिनेस ऑफिसिनेलिस। बारिश तो बंद हो गई। रोज यानी गुलाब की एक नस्ल, गुलाब की वो किस्म जिसे मलका नूरजहां ने शहंशाह जहांगीर को जब पेश किया तो उसे सूंघकर वैसे बेहोश हुए कि दोबारा नहीं उठे, और फिर उसी फूल की नस्ल को आजकल का प्रेमी अपनी प्रेमिका के जूड़े में लगा देता है, और सूख जाने के बाद वही फूल प्रेमिका अपने प्रेमी के कोट में लगा देती है, और वही फूल अब घूमता घामता। ये क्या, ये सब फूल मुझे फूल बना के कहां चले गए?
ये वादा, वादा है ये वादा, कोई हो किसी का, मेरे लिए बस तू है। मैं खो गया तो तेरा हो गया, ये तेरे प्यार की खुशबू है। तेरे प्यार की खुशबू है, मैं खो गया, मैं खो गई, ये तेरे प्यार की खुशबू है। मिस्टर प्रोफेसर, यस, ये क्या बदतमीजी है, पूछो इससे। मिस्टर राम, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा बाप पूछ रहा। इनसे कहिए ये बदतमीजी नहीं है, ये फोटो है जिनमें मैं हूँ और मेरे साथ एक लड़की है, खूबसूरत। वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन इससे ये पूछो कि इस हरकत के पीछे इसका इरादा क्या है, पूछो। इरादा क्या है बताओ। LOVE, लव। वेरी गुड, LOVE, लव, यानी प्यार, मोहब्बत, प्रेम, इश्क, दोस्ती। मिस्टर डिक्शनरी, ये प्यार व्यार हमें कतई पसंद नहीं। शादी से पहले प्यार का क्या मतलब, पूछो इससे। प्यार के बाद भी शादी हो सकती है, कहिए इनसे। जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो बच्चे बच्चे नहीं है, और जो बड़े बच्चों के अरमानों का ख्याल नहीं रखते वो बड़े बड़े नहीं है। प्रोफेसर, लगा उसको, लगाओ, लगाइए इनको, अरे लगाइए ना, अरे रोको, अरे लगाइए, रोको। बाप बेटे मिलकर मेरी तुलाई कर रहे हैं, कमाल है। अरे अजीब बात है, थोड़ी देर पहले तो अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए अपने बेटे की तारीफ कर रहा था। सच? और अब देखो तो गिरगिट की तरह रंग बदल के खड़ा हुआ। अंकल, मैं समझ गया। क्या? इसे रंग बदलना नहीं कहते, ये मेरा इम्तिहान ले रहे थे। माय स्वीट डैडी, ठीक है ठीक है, मिस्टर प्रोफेसर, हमें कोई एतराज नहीं है। तो फिर लड़की वालों को भी कोई एतराज नहीं है। बहुत लड़ाई हो गई, माफ करो यार। तो फिर ऐसा करते हैं, इसे लड़की वालों के यहाँ भेज देते हैं ताकि लड़की की माँ से देख ले। तो तुम फौरन उनसे बात करो। हाँ, आज ही खत लिखता हूँ। और मैं चलने की तैयारी करता हूँ। अरे बेटा हो तो ऐसा, अरे बाप हो तो ऐसा। कामयाबी, कामयाबी। किस बात की कामयाबी? तुम्हें पाने में जो कामयाबी मिल गई। अच्छा, इससे पहले तो मैं कामयाब हो चुकी हूँ। वो कैसे? कच्चे धागे से बंधे से चले आए हो। मीना, मम्मी, ये राम है। जीते रहो बेटा, प्रोफेसर साहब ने जैसे बताया था वैसे ही तुम्हें पाया। बैठो। अपनी बेटी की पसंद मुझे बहुत पसंद है। बेटा, एक बात पहले ही साफ कह दूं, मीना के पिता नहीं रहे। घर की सारी जिम्मेदारी मीना का बड़ा भाई राकेश संभालता है। हमसे जितनी बन पड़ेगी हम जरूर करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा दहेज। नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। फिर भी तुम्हारे डैडी। आप डैडी की बात छोड़िए माँ जी, वो तो मेरे दोस्त हैं, आई मीन बॉक्सिंग पार्टनर। लेकिन उनमें एक ही बुरी बात है, DSP है ना, वो क्या करते हैं, दहेज देने वाले और लेने वाले दोनों को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ आपकी भी छुट्टी और मेरी भी छुट्टी। मीना, तुमने अच्छा लड़का चुना है। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं मिठाई लेके आती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। With love, ऐसे गुजर रहे हैं ये दिन आपके बगैर जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। वाह, अब जनाब शायर भी हो गए। आधा वर्ष है। अच्छा मीना, हमारी सगाई हो रही है और तुम्हारे भाई साहब को पता नहीं? भैया एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं जिसके ब्रांचेस दुनिया भर में हैं। इसलिए भैया काम से अक्सर बाहर ही रहते हैं, कभी लंदन, कभी जापान, कभी हांगकांग, फिलहाल वो सिंगापुर में हैं। तो क्या वो शादी के दिन भी सिंगापुर में है? बेटा, राकेश के आते ही मैं शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी, कन्यादान भी तो वही करेगा। लो, मुँह मीठा कर लो।
क्या हुआ माँ जी? ये खूनी जानवर है, हत्यारा है। एक हाथी ने मेरा सुहाग छीन लिया। इससे पहले कि ये कुछ कर बैठे, इसे यहाँ से निकाल दो। माँ जी, मीना के डैडी की बात सुनकर मुझे भी दुख हुआ, लेकिन इसे मेरे पिताजी ने पाला है, ये मेरा है। ये तुम्हारा हाथी है? पहले से निकालो यहाँ से। मम्मी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कहती हूँ, मैं ऐसे घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकती जहाँ दिन रात मुझे तुम्हारी मौत का डर लगा रहे। माँ जी, लक्ष्मण रुक जा। लक्ष्मण, मम्मी तुम क्या समझती हो, संसार के सारे हाथी एक जैसे होते हैं? तुम्हारा वहम मेरा सपना तोड़ देगा, ऐसा मत करो। तुम चुप रहो। देखो बेटा, मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं, लेकिन यह हाथी तुम्हें बेचना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता माँ जी। फिर तो तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, मीना को या उस जानवर। बस बहुत हो चुका है, जिसे आप जानवर कह रही है वो मेरा भाई है, बचपन से मेरे सुख दुख का साथी। आप एक मीना की बात करती हैं, ऐसी लाख मीना मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भाई लक्ष्मण को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। राम, राम, मीना, माँ, राम को रोको। अच्छा हुआ इस बात का पहले पता चल गया, जो आदमी एक जानवर के लिए तेरा रिश्ता ठुकरा सकता है, उस आदमी को मैं तेरा हाथ हरगिज नहीं दूंगी। लक्ष्मण, रुक जा। लक्ष्मण, क्या हो गया तुझे? किसी ने तुझे बुरा भला कह दिया और तू मुझे छोड़ के जा रहा है? चल घर वापस चलते। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो घर वापस चलो। नहीं चलेगा, तेरी ये हिम्मत नहीं चलेगा। मैं तुझे मार मार के घर ले जाऊंगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बोल, नहीं चलेगा, तेरी ये हिम्मत, बोल, 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 बोल। मैं जानता हूं लक्ष्मण, तू मेरी और मीना की शादी में रुकावट बनना नहीं चाहता, लेकिन तू क्या समझता है तेरे बगैर मैं जिंदा रह सकूंगा? तू भी कान खुलकर सुन ले, जो भी तुझे नफरत की नजर से देखेगा मैं उसे अपने दिल से निकाल दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता मेरे भाई। चल घर चलते हैं। लक्ष्मण की वजह से शादी नहीं हो सकती। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है बेटे? इश्क करने वाले इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। मुझ पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। बी चेयरफुल, हंसता हुआ चेहरा रखो। दिल छोटा नहीं करते बेटे, सब ठीक हो जाएगा। हम इस बात को भूल ही जाएं तो बेहतर है। अच्छी बात है, अगर आपकी यही जिद है तो मैं आपसे वादा करता हूं, राम की शादी के बाद मैं लक्ष्मण को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। चाय लीजिए। जी नहीं, मैं ये चाय तब तक नहीं लूंगा जब तक आप इस रिश्ते के लिए हां नहीं कहेंगे। मीनू, मीनू। आइए विकी साहब। मीनू, आई एम रियली सॉरी मैं कल नहीं आ सका, तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। Please.
गाड़ी मिल जाए। चलो विकी। अंकल ये है विकी साहब, शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, भैया इन्हीं की कंपनी में काम करते हैं। विकी साहब ये है डीएसपी कुमार, राम के डैडी हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू। नहीं विकी साहब, हमारे यहाँ दस्तूर है कि हर नई मुलाकात पर दाहिना हाथ मिलाया जाता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर विकी। इट्स ओके। मिसेस चौधरी, आज आपके घर आना मेरे लिए बहुत शुभ रहा। मुझे आशा है कि इस रिश्ते की मंजूरी की खबर मुझे बहुत ही जल्द मिल जाएगी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते मिस्टर विके, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, इत्मीनान से। नमस्ते। अच्छा बेटे। अच्छा जी। विकी साहब, विकी साहब जी बैठे ना। देखिए मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं बाद में आऊंगा। अच्छा नमस्ते। मुझे यकीन है आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई बरसों से मैं तो पिछला सब कुछ भूल चुका हूं। अपनी जिंदगी पर लगे तमाम धब्बे मैंने बड़े एहतियात से धो डाले हैं। खून के छींटों के धब्बे इतनी आसानी से नहीं धुलते विक्टर। विक्टर मर चुका है कुमार साहब, अब मैं विकी हूं, जिसका इस शहर में रुतबा है, दौलत है, इज्जत है। कल मैं कॉरपोरेशन का चुनाव जीत सकता हूं, परसों शहर का मेयर बन सकता हूं। बेशक समाज में तुम जैसे भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों की कमी नहीं, और मैं शहर में भेड़ियों की हुकूमत नहीं होने दूंगा। भेड़ियों के समाज में एक भेड़ कब तक खैर मनाएगी कुमार साहब। करो विकी, बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों में हथकड़ी होगी और गले में फांसी की रस्सी। उस वक्त तुम्हें उन मासूम जवानों के चेहरे याद आएंगे जो तुम्हारी गोलियों का निशाना बने थे। कुमार साहब मुझे कानून के हवाले करके आपको क्या मिलेगा? कोई छपा हुआ कागज का टुकड़ा या कोई मेडल जिसे इंसान ना तो खा सके, बिछा सके, ना ओढ़ सके। इसीलिए मेरी मानिए, भूल जाइए कि आप मुझसे कभी मिले थे, और मैं आपको इतना माला माल कर दूंगा कि आपकी आने वाली सातों पीढ़ियां आराम से खाएंगी। रिश्वत देना चाहते हो मुझे? नहीं कुमार साहब, रिश्वत तो एक निहायत घटिया लफ्ज है, डिक्शनरी में इसके लिए कई बेहतर लफ्ज हैं, जैसे तोहफा, नजराना, भेंट। मैं कफन बेचने का धंधा नहीं करता। तो आप अपने सीने पर एक और मेडल लटकाए बिना नहीं मानेंगे? हरगिज नहीं। शहर में चुनाव होंगे लेकिन उनमें तुम्हारा नाम नहीं होगा। इंस्पेक्टर प्रेम। कुमार साहब आप बैठी बैठी। नहीं नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे वो पुरानी ट्रेन रॉबरी वाली फाइल चाहिए। पुरानी ट्रेन? हाँ याद आया, बैठिए मैं अभी देता हूँ। इट्स ऑल राइट। कुमार साहब ये लीजिए फाइल। शुक्रिया प्रेम, शुक्रिया। नमस्ते। राम, राम जी। डरे? अरे ये तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है बेटे? तेरा केस सॉल्व हो गया, बहुत जल्द मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखूंगा। डैडी। और बेटा सुन, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। लक्ष्मण! हराम सारा कुमार, विकी बरसों पहले जो हमने अपने चेहरों पर शराफत का नकाब लगाया था, उसे हमारी दौलत और रुतबे ने हमारा असली चेहरा बना दिया है। शराफत की आड़ में हमारे काले धंधे चल रहे हैं, इसमें हमारा लाखों रुपया लगा हुआ है, और आज अचानक ये कुमार का बच्चा हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द
उसका नाम शहीदों की लिस्ट में दर्ज करवा देना चाहिए। राइट। और ये नेक काम हमें अपने हाथों से करना चाहिए। We'll do it. सोल्जर, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। कौन सा काम? ये मेहमानों की लिस्ट है, आप जरा चेक कर लीजिए। मेहमानों की लिस्ट? जी, कल आपका गोल्डन जुबली बर्थडे, आपने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। जी हाँ, और हम आपका 50वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। मैं प्रेजेंट लेने शहर जाऊंगा, लक्ष्मण कार्ड बांटने जाएगा, तब तक अब ये लिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, बहुत जल्द तेरी शादी के कार्ड भी छपेंगे, जिसे मैं और लक्ष्मण बांटे जाएंगे। आई लव यू माय सन। आई लव यू ओल्ड मैन। सॉरी डैड, आई लव यू डैड। अच्छा चल लक्ष्मण। लक्ष्मण तू सबको कार्ड बांट दे, मैं तब तक डैडी के लिए कपड़े खरीद लेता हूँ। जा। हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो मिस्टर राम। हाय, कल डैडी का बर्थडे। अच्छा, आप कुछ अच्छे कपड़े दिखा। आइए आइए, दिखाता हूँ। लक्ष्मण क्या बात है, इनविटेशन कार्ड, वेरी गुड। तुम हमारे गुनाहों की फाइल को नई जिंदगी दे रहे हो, हम तुम्हारी जिंदगी की फाइल को बंद करने आए हैं। मुझे मौत की धमकी दे रहे हो? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, और वो है गुनाह को खत्म कर देना या गुनाहों के हाथों खत्म हो जाना। कैसे हो गया लक्ष्मण, ये सब कैसे हो गया डैडी? तो क्या क्या डैडी बोलिए। लक्ष्मण जानता डैडी, डैडी आपके खून की एक एक बूंद का बदला लूंगा। ये जुल्म जिसने भी किया है
उन्हें मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और उन्हें इस तरह मारूंगा कि मौत भी उसका अंजाम देकर कांप उठेगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। दिल छोटा ना करो मीना, राम अपने डैडी के कातिलों को ढूंढने के लिए गया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और फिर बहुत जल्द ही तुम दोनों के अरमान पूरे हो जाएंगे। लक्ष्मण, ये क्या कर रहा है? लक्ष्मण, क्या बात? लक्ष्मण, इस गाड़ी से कातिल का कोई ताल्लुक है क्या? ये वही गाड़ी है, बोल। तू उस गाड़ी का सही नंबर जानता है? बोल ना। चल लक्ष्मण, इसमें से गाड़ी का नंबर बता। चलिए बता लक्ष्मण। एक्सक्यूज मी। यस। मैंने रास्ते में एक खूबसूरत गाड़ी देखी जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। गाड़ी का नंबर है MRP 5791। आप उस गाड़ी के मालिक का नाम और पता बता सकते हैं? ठहरिए, मैं अभी बताता हूँ। मिस लिली, नंबर 10 लेमिंगटन रोड, बॉम्बे 4। थैंक यू। दैट्स ऑल राइट। यस, कमिंग। मिस लिली। यस, मैंने आपको पहचाना नहीं। देखिए, इससे पहले हम लोग कभी नहीं मिले। मैं बहुत जरूरी काम से आपसे मिलने आया हूँ। देखिए, अगर आप किसी होटल की तरफ से मेरे डांस प्रोग्राम के लिए आए हैं तो आई एम वेरी सॉरी। मैंने ब्लू स्टार क्लब के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसीलिए मैं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ ये जानने आया हूँ कि आपकी गाड़ी का नंबर MRP 5791 है या नहीं। क्यों, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है क्या? जी नहीं, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, वो कार तो मैंने एक महीने पहले ही बेच दी है। बेच दी? किसे बेच दी? लगता है वो कार आपको जरूर से ज्यादा पसंद आई। खैर, मैं आपको पता बता देती हूँ। मिस्टर सुंदरलाल, रूम नंबर 9, शांति दूत, मोहन नगर। शुक्रिया। चल। हेलो। हेलो, मैं लिली बोल रही हूँ। अभी अभी एक आदमी आया था, MRP 5791 के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, उसके साथ एक हाथी भी था। हाथी? तुमने उसे क्या बताया? मैंने उसे जग्गू के घर का पता दे दिया। बहुत अच्छा किया। मैं फौरन जग्गू को फोन कर देता हूँ। उस आदमी का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है।
बोलो तुम, उस गाड़ी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बताता हूँ। चलिए। मैं मिस लिली हूं, आपसे कई बार मिली हूं। मुझे आपसे शिकायत है क्योंकि आपका रोज का यही रोना है कि हम दीवाने हैं, परवाने हैं, हम जल जाते हैं, लुट जाते हैं, मिट जाते हैं। पर सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है। कहाँ मिट जाए, लुट जाए, जल जाए, ऐसा दिल जला दीवाना।
हस्ती पे मुझको नाज है। ये कहता है मन चला परवाना परवाना ऐसा परवाना आ गया ऐसा परवाना लुट जाए लुट जाए जल जाए ये दिल जला दीवाना आ गया लो मिटने को लुटने को चलने को दे चला कौन है तुम? किसने भेजा था तुम लोगों को? बता। छोड़ मुझे, अभी बताता हूँ। लक्ष्मण, लगता है दुश्मनों ने हमें पहचान लिया है। आगे हर कदम पे खतरा है। ऐसा कर, तू उस मंदिर में जाकर छुप जा। जरूरत पड़े मैं तुझे मिल लूंगा। जा। तुम लोगों का दिमाग फिर गया है क्या? गोली राम के सीने में उतारनी थी और तुमने अपने आदमी को मार डाला। अगर वो हमारा पता बता देता तो हम सब मारे जाते बॉस। राम आदमी नहीं शैतान है। एक ऐसी आंधी जिसे रोका नहीं गया तो हम सबको निकल जाएगी। नहीं लीली, मेरे पास भी एक तूफानी इंसान है जो इस आंधी को भी उड़ा देगा। कौन है वो? राका। ये तो ठीक है, लेकिन राका तो जेल में है। अगर विकी को राका की जरूरत है तो उसे कोई भी जेल की दीवार रोक नहीं सकती। क्यों राका घर चल दिए? वापस कब आ रहे हो? राका और आंधी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते हैं। मीनू भैया, भैया कैसी है हमारी बहन? कैसे भैया हो तुम? एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। अरे चिट्ठी की क्या बात है, ये देखो इतनी बड़ी चिट्ठी तुम्हारे सामने आ गई। माँ, अरे माँ मेरी प्यारी माँ, मेरी कैसी है माँ? रहने दे, घर आकर प्यार जताता है, बाहर महीनों तक माँ की याद नहीं आती। अरे माँ क्या बताऊँ तुम्हें, पहले हांगकांग ब्रांच गया, वहाँ का सारा अकाउंट चेक करना था। वहां से पता चला कि जापान की ब्रांच ने हड़ताल कर दी है, उधर भागा। और सिंगापुर की ब्रांच में तो कमाल हो गया, किसी जालसाज ने कंपनी के पूरे $5,00,000 यानी कि 40 लाख रुपए हड़प लिए। बस माँ क्या बताऊँ तुम्हें, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। भैया तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान सामान कस्टम में पड़ा है। तू घबरा मत, तेरे लिए इतनी साड़ियां लाया हूँ। सच? हाँ, तेरी शादी जो करनी है। मीनू, मीनू माँ क्या हुआ इसे? आओ बैठो, मैं सब कुछ बताती हूँ। मीनू, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पिताजी की मौत को शायद वो अभी तक भूल नहीं पाई, इसलिए उसने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया। लेकिन तू घबरा मत, अब तेरा भाई आ गया है, तेरी शादी उसी के साथ होगी जिसे तू चाहती है। मैं खुद अपने कंधों पर तेरी डोली उठाकर तुझे तेरे दूल्हे के घर छोड़ाऊंगा, ये मेरा वचन है। भैया अब तो हंसो हंसो। भैया तुम तैयार हो जाओ। क्यों, उससे मिलने की इतनी जल्दी है? थर्ट? तो मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी
मेरी मुराद पूरी हो गई है, तुम मेरे साथ मंदिर चलो। ठीक है, मंदिर हो आते हैं। हेलो। हाय किलर, कैसे हो तुम? तुमसे मिले तो जमाना बीत गया। काम की बात करो। कभी हमारा भी काम तमाम कर दो। खैर छोड़ो, विकी साहब ने तुम्हें याद किया है? योर जॉब इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, मैं मंदिर होके आता हूँ। मंदिर? बिल्ली और हज को जा रही है? भगवान तुम्हारा आंचल खुशियों से भर दे, मेरी यही कामना है। भैया, अपने लिए भी भगवान से कुछ मांग लो। अगली, तेरे भैया के लिए तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई चीज कीमती नहीं। आज मैं भगवान से यही प्रतिज्ञा करने आया हूं कि तेरी शादी उसी से करूंगा जिसे तू चाहती है। राका मेरे अजीज, यार जब तुम हांगकांग या सिंगापुर में रहते हो तो ऐसा लगता है मेरे दोनों बाजू कट गए। क्या बात है विक्की साहब, बहुत प्यार से गले मिल रहे हो, कहीं गला काटने का इरादा तो नहीं? अरे हम पर शक मत करो राका, आ बैठो, विकी तुम्हारे हुनर का गुलाम है। बहुत हो गया विक्की साहब, अभी मतलब पर आ जाइए। कहिए, किसी बैंक की तिजोरी तोड़नी है इस बार? नहीं, किसी की गर्दन काटनी है। गर्दन? आपका मतलब है कत्ल? ओह नो, नो मर्डर, सॉरी विक्की साहब, रॉन्ग नंबर। नहीं राका, अगर वो आदमी नहीं मरा तो विकी मर जाएगा। सोचो पर तुम्हारे धंधे का क्या होगा? तुम अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते हो, तुम्हें बहुत रुपयों की जरूरत है, क्यों? राका, तुमने सोचना कब से शुरू कर दिया? लिली प्लीज, विक्की साहब, अब मैं अपनी माँ और बहन से अपनी असलियत ज्यादा दिन नहीं छुपा सकता, इससे पहले कि उन्हें मेरी खाली जिंदगी का पता चल जाए, मैं गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। तुम शरीफ बनना चाहते हो? ठीक है, शरीफ बनो, लेकिन शराफत के लिए भी दौलत चाहिए, फैसला कर लो। ठीक है विक्की साहब, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए एक आखिरी गुनाह करूंगा। मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के से बड़ी धूमधाम से करूंगा, और उसके लिए मुझे रुपया चाहिए। कहिए, किस बदनसीब की मौत आई है? ये हुई ना बात, देखो ये है वो आदमी। हेलो, मैं राम बोल रहा हूँ। राम? तो समझ लो मुन्ने, तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया। मैं मुर्दों की बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन ये तो बताओ कौन से कब्रिस्तान से बोल रहे हो? चहक लो मुन्ने, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैंने तुम्हारी मौत के दस्तावेज पर अपने दस्तखत कर दिए। लाल घाटी की मिट्टी तुम्हारे खून की प्यासी है, माँ का दूध पिया है ना, अपना कफन साथ लेकर पहुंच जाना उधर। जरूर आऊंगा, लेकिन अपने कफन का नाप तो बता दो। ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुना है तुम एक बहादुर इंसान हो, इसलिए एक लालच दे रहा हूं, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें उसका पता मिल जाएगा जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। हाँ, अगर मैं जीत गया तो मुझे 1,00,000 रुपया मिलेगा। मैं आ रहा हूं। लाल घाटी, सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा।
यहां कोई आया था क्या? भाई साहब, ए बुड्ढे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां कोई आया था? नहीं तो, तुम्हारा नाम राम है? हाँ। अच्छा, तो ये गड्ढा तुम्हारे लिए ही खोज रहा हूं। हमारे साहब का हुक्म है। तुम्हारा साहब कहाँ है? वो ऊपर है। इस कपड़े को 4 इंच चौड़ा, 4 इंच और लंबा कर दो, ताकि तुम्हारा साहब इसमें आराम से सो सके। मुन्ने, अपने आप पर इतना भरोसा है तुम्हें? लक्ष्मण ने सब बचा लिया, वरना इसकी मौत मेरे हाथों लगी थी। राकेश, भैया राकेश, राकेश, राकेश बेटा, राम, माँ ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, इसका बदला तुम दोनों ने मेरे भाई से लिया। इन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने क्या बिगाड़ा था इसका, जो ये मेरा खून करने आया था? एक तो तुमने इसे मार डालने की कोशिश की और ऊपर से झूठा इल्जाम लगा रहे हो। माँ जी, आप नहीं जानती, आपका बेटा एक पेशावर मुजरिम है। इसने कई घर उजाड़े हैं, कितने मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। आपका बेटा दिन के उजाले में राकेश और रात के अंधेरे में राका है। ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो अपने भाई से पूछ लो। राकेश, सुना तुमने, ये क्या कह रहा है? कह दो इसे कि ये सब झूठ है। नहीं मां, ये सच है। क्या? मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता, मैं कभी विदेश नहीं गया, मैं जितनी बार जेल गया हूं उतनी बार तुम लोगों से झूठ बोला मैंने। तो ये घर, ये दौलत, तुम्हारी दी हुई दो वक्त की रोटी, इन सब में तुम्हारे गुनाहों का जहर भरा हुआ है। मेरे ही खून में कोई खोट है जिससे तुम जैसे औलाद को मैंने जन्म दिया। नहीं माँ, ऐसे मत कहो। खबरदार जो मुझे माँ कहा, मैं राकेश की माँ हूँ, राका से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं एक ही दिन में राकेश से राका नहीं बना,
मैंने सारी सारी रात तुमको लोगों के कपड़े सीते हुए देखा है, एक एक रुपए के लिए लोगों को तुम्हारा अपमान करते हुए देखा है। मैंने अपनी छोटी बहन को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए देखा है। अगर मैं राकेश से राखा बना हूं तो तुम दोनों की खुशी के लिए। भैया, अगर तुम मजदूरी करते, हमें किसी झोपड़ी में रखते, तो क्या मैं कह देती कि मैं एक मजदूर की बहन नहीं बनूंगी? या माँ को एक मजदूर की माँ कहलाते हुए शर्म आती? तुम सच कह रही हो मीना, मैं भटक गया था। तुम लोगों को दुनिया भर की खुशियां देने के लिए मैं सबकी खुशियां छीनता रहा। मुझे माफ कर दो माँ। नहीं माँ, तुम मेरे गुनाहों की जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन मुझसे नफरत न करो। माँ जी, एक भटका हुआ राही वापस लौट आया है। अगर इस वक्त आपने इसे सहारा नहीं दिया तो यह गुनाहों के अंधेरे में गुम हो जाएगा। बेटा बुरा हो सकता है, माँ संगदिल नहीं हो सकती। माँ, चल लक्ष्मण। रुक जाओ राम। राम, तुम्हारी पिताजी की मृत्यु से तुम पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसी हालत में हमदर्दी के दो शब्द के बजाय मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। लक्ष्मण, मैं समझती थी सारे जानवर एक जैसे होते हैं, मगर तुमने उसे गलत साबित कर दिया। आज मेरा भ्रम दूर हो गया लक्ष्मण। राम, मैंने तुम्हें वापस लाने का वचन मीनू को दिया था और अनजाने में तुम्हारा खून करने चला गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। यही वो दुरिंदा विक्की है जिसने मुझे राकेश से राका बनाया। इसी के कहने पर मैं तुम्हारा खून करने गया था। हो ना हो, तुम्हारे डैडी के कत्ल से इसका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। अगर विकी मेरे डैडी का कातिल है तो लक्ष्मण ये फोटो देखते ही उसे पहचान लेगा। लक्ष्मण, डैडी के कातिलों में यह था। विकी कहाँ है? साहब, आपको सुनकर दुख होगा कि विक्की साहब गुजर गए। क्या? जी हाँ, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उन्हें पास के कब्रिस्तान में ले गए हैं। मैं लोगों को खबर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। The sentence of the judgment weigh heavily upon him whom the true supplication of Christian faith does command unto thee. But by the succor of this grace may he be found worthy to escape the judgment of vengeance, who while he lived was sealed with the seal of the Holy Trinity, who lives and reigns world with the end. Amen. Lakshman?
लक्ष्मण, तेरा शक ठीक निकला। मौत के नाटक को हकीकत में बदलने आया हूं। तुम्हारे लिए जिंदगी का हर रास्ता बंद हो चुका है, अब तुम बच नहीं सकते। नहीं भाग सकते विकी, चारों तरफ तुम्हारे लिए मौत है। तुम मेरे डैडी के कातिल हो, तुमने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली है। तुमने मेरे निहत्थे डैडी को मारा था, लेकिन मैं तुम जैसा बुस्तित नहीं हूं। ये लो, उठाओ इसे, हो सके तो अपने आप को बचा लो। बेटा, काम पूरा हो गया? हाँ मां, हो गया। अच्छा हुआ, भगवान से मेरी यही प्रार्थना थी। राम, अब मीना की और तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी। राकेश, पंडित जी को बुला लेना, जल्दी ही मुहूर्त निकलवाना है। हरकत है, चलिए पंडित जी को जाने दो। लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम पंडित जी को क्यों लाए हो, लेकिन ये मौका शादी का नहीं है। लक्ष्मण, अभी तो सिर्फ कुंभकर्ण मरा है, जब तक रावण नहीं मरता रामायण पूरी नहीं होगी।
राकेश, राकेश क्या बात है? इंतकाम की आग मेरे दिल में भड़कती जा रही है। जब तक मैं विकी के दोस्त को खत्म कर नहीं लेता तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। राम, विकी का सिर्फ एक ही दोस्त है, उसका पार्टनर तेजा, जो मैंने सुना है चंदनद्वीप में रहता है। वहां दाखिल होना बहुत मुश्किल है। अगर किसी तरह वहां पहुंच भी गए तो वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। कुछ भी हो राकेश, मैं उस दरिंदे की तलाश में जा रहा हूं। मुझे भी अपने साथ ले चलो राम। नहीं मीना, मैं तुम्हारी ढाल बन के रहूंगी। जो भी मुसीबत आएगी हम दोनों साथ मिलकर झेलेंगे। प्यार को मजबूरी मत बनाओ मीना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। प्लीज राम। मीनू, इसे जाने दो। राम, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भैया, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त, किसने मारा मेरे दोस्त को? राम ने। कौन है ये राम? डीएसपी कुमार का बेटा। डीएसपी कुमार का बेटा? रास्कल, मैं उस कमीने का गला अपने हाथों से घोटना चाहता हूं। मुझे राम चाहिए जिंदा। गेट हिम एट एनी कॉस्ट, बास्टर्ड। एक आसान तरीका है। राम एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम मीना है। अगर आप कहें तो मैं मीना को यहाँ ले आती हूँ। मीना की वजह से राम अपने आप हमारे जाल में फंस जाएगा। गुड, उसे जल्दी ले आओ। विक्की की आत्मा तड़प रही होगी, मैं उसका बदला लूंगा। जाओ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, आप लिली? मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। भाभी? भैया ने मुझे कभी नहीं बताया। अच्छा आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ओके। ये रास्ता मेरे घर का नहीं है, कहाँ जा रही है? मेरी होने वाली भाभी, अब देखो तुम्हारी ननद कैसे तुम्हारा इलाज करती है। कहने पे मुझे यहाँ लाई हो? बताती होगे? हाँ, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। लक्ष्मण, हम लोग साथ साथ चलेंगे तो दुश्मन हमें आसानी से पहचान लेगा। बेहतर ये होगा कि मैं आगे चलता हूँ तो दूर से मेरा पीछा करना।
ये क्या है? कहां से उठा ला? डैडी के कत्ल से इसका कोई ताल्लुक तो नहीं? मुझे वहां ले चल जहां से ये ले आया। चल माफ कीजिए। यस प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे लगता है आपके किसी स्टूडेंट का कीमती हार खो गया है। अरे हाँ, ये तो हमारे सोनू का है। सोनू बेटे, बेचारा बहुत परेशान था। देखो यह है मिस्टर राज। राज अंकल को थैंक यू बोलो बेटे। थैंक यू अंकल। स्वीट बॉय, मुझे लगता है मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। इसके डैडी का नाम मिस्टर तेजा। मिस्टर तेजा चंदन द्वीप के बहुत बड़े स्टेट के मालिक हैं। हाँ, एनीवे थैंक यू। हाँ मैं तेजा बोल रहा हूँ। तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और उसकी गर्दन मेरे चाकू की नोक पर रखी हुई है। क्या बकते हो? मैं बकता नहीं, मैं सच कहता हूं। अगर यकीन नहीं आता तो स्कूल में फोन करके पूछ लो, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं फोन रखता हूं। नहीं ठहरो, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम राज है और राम नाम के किसी आदमी ने मुझे 50,000 रुपया दिए हैं तुम्हारे बच्चे को मार डालने के लिए। नहीं, तुम बच्चे को हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर तुम 1,00,000 रुपया लेकर काली पहाड़ी पे पहुंच जाओ तो तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। और तुमने कोई चलाकी की तो तुम्हें तुम्हारे बेटे का सर तोहफे के तौर पर पेश किया जाएगा। ओके। हेलो हेलो हेलो, तो तुम ही राज हो? जी हाँ। इसमें तुम्हारा 1,00,000 रुपया है, ये लो रुपए और मेरे बच्चे को छोड़ दो। डैडी। सुनो डैडी, अंकल ने मेरी जान बचाई। जान बचाई? हाँ डैडी, अगर अंकल नहीं होते तो सांप मुझे काट लेता। लक्ष्मण, डैडी का दूसरा कत्ल यही है? Thank you.
क्या हुआ? जिस तरह मैं तुम्हें मानना चाहता हूं उसके लिए मौका नहीं। वो पागल हाथी भाग गया, ले लीजिए। ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। सोनू की जान के साथ साथ तुमने हमारी भी जान बचाई है। लेकिन राज, 50,000 रुपए के लिए तुमने राम को धोखा दिया है, उसको क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं, क्योंकि जो मुझे ज्यादा पैसा देता है मैं उसी का काम करता हूं। ओ, ठीक है, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। अगर तुमने राम को मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, जो आदमी मेरे लिए काम करता है वो मुझे छोड़कर जिंदा वापस नहीं जा सकता, समझे? लेट्स मूव। लक्ष्मण, रुक जाओ लक्ष्मण, रुक जाओ। देखो, सब्रता से काम लो, अगर जल्दबाजी करोगे तो राम की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हमें मौके का इंतजार करना चाहिए। शाबाश। तेजा साहब, ये जगह तो ऐसी है जहां परिंदा भी आपकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता। कुछ भी हो राज, मैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता। जाओ आराम करो, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। अंकल, थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। आज कल रात तुम मेरे कमरे तक आए थे, क्यों? मैं जानता हूं तुम क्यों आए थे। आपसे मिलने के लिए। झूठ, मुझसे मिलने नहीं आए थे। तुम सोनू से मिलने आए थे। आप कितने होशियार हैं और तुम कितने लापरवाह हो। मैंने तुम्हें अपना रिवॉल्वर तोहफे के तौर पर दिया था और तुमने उसे यूं ही कहीं फेंक दिया। देखो राज, हथियार और तवायफ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, वो जिसके भी हाथ में हैं उसी के दोस्त होते हैं। देखो तो तुम कितने स्मार्ट हो, रिवॉल्वर उठाओ, उठाओ। दोबारा कोशिश करो। क्या कर रही है? मैं किसी राम को नहीं जानता, मेरा नाम राजू है। ये क्या बकवास है? I'm sorry, मुझे लगा ये राम है। ओ, तुम कौन हो, यहां कैसे आई? ये लिली की बहन है सर, आपसे मिलना चाहती थी। लिली की बहन? लिली कहाँ है? रोती क्यों? मैं पूछ रहा हूँ लिली कहाँ है? उसका खून हो गया। खून? किसने किया? राम ने। राम? वो तो मुझे भी मार देना चाहता था, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आई हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे बचा लीजिए। चुप हो जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। सुनो जी? इसके रहने का इंतजाम करो। आइए।
हाँ तो मिस्टर राम, राम नहीं राज। सॉरी, अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि राम यहीं कहीं मेरे इर्द गिर्द खड़ा है और साय की तरह आपका पीछा भी करता है। तो मैं कैसे मालूम? आप ही ने तो अभी अभी कहा कि राम कहीं आपके आसपास मौजूद है। कहा होगा, चलो मेरे साथ। राम, सॉरी राज, उस कमीने का नाम मेरी जबान पर बार बार क्यों आता है जानते हो? मैं क्या जानूं? बैठो, मैं बताता हूं। कत्ल तो रोज होते रहते हैं, लेकिन जिस बेरहमी से हमने राम के बूढ़े बाप को मारा, हाय मजा आ गया। क्यों, सुन रहे हो ना? जी हाँ, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। बूढ़ा डीएसपी बहुत कमीना निकला। मेरे दोस्त विक्की ने उसे बहुत समझाया, पैसे का लालच दिया, लेकिन नहीं माना। फिर हम पहुंच गए। बूढ़ा अपने जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था, हमें देखकर अपने पिस्तौल लेने की दौड़ा। मैंने उसके पैर में गोली मारी, वो गिर पड़ा। बस वो रेंगने लगा, फिर मैंने जूतों से इतनी ठोकरें मारी, इतनी ठोकरें मारी कि वो अधमरा हो गया। क्यों, मजा आया ना? जी हाँ। मेरा तो इरादा था कि मैं उसे एक कटे हुए मुर्गे की तरह तड़पता हुआ देखूं, लेकिन मेरे दोस्त ने उसके सीने में गोली उतार दी, फिर भी वो नहीं मरा। फिर मैंने अपनी एक गोली उस पर बर्बाद कर दी। मजे की बात यह है कि हमने उसके जन्मदिन पर उसे कुत्ते की तरह मारा। अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने दुश्मन को इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं उसे मारूंगा, लेकिन तड़पा तड़पा के मारूंगा। राज, ये तुम्हें क्या हो गया? I'm sorry sir, वो डीएसपी मुझे आपके चेहरे पे नजर आने लगा था। I'm sorry। एक बात का मुझे यकीन हो गया कि तुम राम नहीं हो सकते। अगर तुम राम होते तो अपने बाप के खून की दास्तान एक रेडियो के ड्रामे की तरह नहीं सुन सकते। गुड नाइट। मैं तुम्हें जो कहना छोड़ दो मुझे, लुच्चे, लफंगे, चले जाओ यहाँ से। तेजा साहब, मुझे इस गुंडे से बचा लीजिए, ये मुझे ऐसी वैसी लड़की समझता है। आपने मुझे पना दी है, मेरी हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं उस बदमाश से निपट लूंगा। राज, इधर आओ। तुम उस लड़के के कमरे में क्या कर रहे थे? आपने सुना नहीं, उसने मुझे राम कहकर पुकारा था। मैं ये जानना चाहता था ये चक्कर क्या है। ओ, लेकिन लड़की के साथ किस तरह पेश आना चाहिए ये तुम नहीं जानते। बिल्कुल नाड़ी हो, बद्दो। डैडी, आप मेरे अंकल को डांट रहे हैं? डांट नहीं रहा हूँ बेटे, इन्हें समझा रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कल मेरा बर्थडे है ना, इसलिए मैं अंकल को इन्वाइट करने आया हूँ। अच्छा, अंकल से इतनी दोस्ती हो गई कि इन्हें पर्सनल इन्विटेशन देने आए हो? डैडी, अगर अंकल नहीं होते तो कल मेरा बर्थडे नहीं होता। ओह यस, यू आर राइट। हाँ तेजा साहब, आपके साथ धोखा हुआ है। वो राज नहीं, राम है। आपसे बदला लेने के लिए यहाँ आया हुआ है। तो मेरा शक ठीक निकला। फास्ट, मैं अभी उस कमीने को बताता हूं कि तेजा के साथ टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। चलो मेरे साथ। साथियों, आज का दिन मेरी जिंदगी का एक अहम दिन है, और इस खुशी के मौके पर मैं अपने वफादार साथियों को एक जीता जागता हसीन तोहफा देना चाहता हूं, और वो तोहफा है लिल्ली की बहन जूली। इसे ले जाओ और जिस तरह चाहो अपना दिल बहलाओ। छोड़ दो उसे।
कमान राज, पीएसपॉट, तुम्हारे लिए मेरे पास इससे भी ज्यादा हसीन तोहफा है। ये रहा तुम्हारा तोहफा। लिली, मेरे दोस्त राज को तुम्हारी बहन जूली से कुछ खास हमदर्दी हो गई है। ये मेरी बहन नहीं है, राका की बहन है मीना। जब इसने हमला करके मुझे मजबूर किया तब मैंने एक चाल चली। मैंने इसे कहा कि राम और राका की जिंदगी खतरे में, बस ये यहाँ मेरी बहन बन के चली आई और आपके जाल में फंस गई। वेल डन लिली। सो मिस्टर राज, मेरा मतलब है राम, तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए बहुत वक्त था लेकिन तुम चूक गए, और अब वक्त मेरे हाथ में है और मैं नहीं चूकूंगा। रुक जाओ, तुम लोग समझ जाओ, मैं इससे निपटता हूं। चूहा मछली को तैरना सिखाने आया है। भागने से कुत्ता शेर नहीं हो जाता तेजा। Come on.
दुश्मन? दुश्मन! जुदाई मैं